तो शाम की चाय हमारी बन चुकी है इस समय। तो शाम की चाय के साथ हमारे पास है गोलू लेकर आया मिर्ची पकौड़ा। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आया। हट जाओ तो मुझे यहाँ पर बैठ बॉक्सिंग ना लाइट जलाई बेटा लाइट जलाई बेटा। तो ये तो हमारी शाम की चाय रेडी है। देखो ये दो कप है, ये दो कप क्रॉस का निशान। देखो क्या क्या आया हमारे पास दिखाओ। ओ वाओ कचौरी, आई लव दिस। ये कचौरी नहीं है खाली, ये कचौरी है। कैसी है? ओ ठीक है भाई। तो इसकी बार है। तो इसकी वो सॉस भी तो थी पैकिंग वाली, कहाँ है सॉस? सॉस उसमें पे रैप। तो अब हम चाय, ये देखो ये सॉस होती है, ये होती है खट्टी मीठी सॉस, बहुत टेस्टी होती है। ये वाली पैकिंग वाली होती है बिल्कुल टेस्टी। तो कुरुक्षेत्र गया था तो अभी आया जस्ट। तो अब हम चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे, फिर हम जाएंगे थोड़ा घूमने फिरने तो आपको हम दिखाएँगे सब कुछ। तो मिलते हैं आपको चाय के बाद, चाय पी लें। ये देखो ये बैठा है जंत। तो जंत देखो कचौरी खा रहा है। जंत कैसी है कचौरी? चलो मिलते हैं आपको चाय के बाद। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट में कुछ सामान ले रहे हैं। तो जन सामान लेने आया। एक दो तीन चार, चार मिल्क की है। टोकरी उठा के लाओ, मैं चल या स्माइल लिया बेटा ले आगे। टाइम हो गया 9:30 का। टाइम कितना हो गया? ओ क्या हुआ, 10 बजने वाली है। क्या हो गया? हाँ 10 बजने वाली है और हमने अब तक खाना नहीं बनाया। गाइस फ्रेंड्स अभी हमने खाना नहीं बनाया, तो अब मैं जाऊंगी खाना बनाने। पहली बार तो गांव में कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो रेस्टोरेंट जाने के लिए कम से कम ढाबा वो भी दूर है, तो काफ़ी दूर है। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी और ढाबे भी काफ़ी दूर है, तो मतलब दूर है पर इतना भी दूर नहीं जाती। काफ़ी दूर है यहाँ पर, बहुत दूर है। अगर काश हम शहर में रहते, सिटी में रहते तो ढाबे में खा लेते, बहुत मज़ा आता, पर पॉसिबल नहीं है तो क्या करें। हम ढाबे में जाते अगर शहर में रहते। आवाज़ नहीं आवाज़ ये ना मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है, हर बात में मजाक उठाता है मेरा। बस हमेशा वीडियो के टाइम जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो कुछ ना कुछ कमेंट मार देता है कि आप ऐसे क्या करो, वैसे क्या करो, वैसे क्या करो। तो बताओ कि मैं कैसे करूँ, बताओ ही क्या करूँ अब मैं क्या करूँ। ये देखना ये लो जी, बताओ भाई। हाँ जी, हेलो हेलो, मैं जस्टी। तो आप क्या, आपका सवाल क्या था? मेरा कोई सवाल नहीं था भाई। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो आज हमने बनाई है कौन सी दाल? आज हमने दाल बनाई है मूंगी मसरी की दाल बनाई है, जो येलो वाली होती दाल लगती है मुझे तो बहुत। ये हिल गया मेरे वजन से, बहुत अच्छी लगती है। और मैंने साथ में बनाए थे चावल, वो मरीजों को दाल लगती है। कई कहते हैं कि जैसे कोई पेशेंट होते हैं ना, तो पेशेंट को वो ज़्यादा दाल खिलाते हैं। वो दाल हल्की होती है बहुत, हल्की
हल्की और दूसरी दाल भरी नहीं, मतलब हैवी दाल नहीं होती, जैसे जैसे पनीर हैवी होता खाने में, वो दाल बिल्कुल नॉर्मल होती है, मरीजों के लिए होती है, पेशेंट जो बीमार बंदे के लिए होती है। जब बीमार होती सिर्फ दाल ही खाता है, दाल हो गया, खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ये मतलब हल्का हार खाते हैं नॉर्मल। हम हार चीजें नहीं, मतलब वो उसमें जो पेशेंट हार चीजें बनाती है, नहीं नॉर्मल बनाते हैं हम। हार ही कह लो, हमारे घर में हार क्या बनता है, हमारे घर में घिया बनता है, तोरी बनती है, मेरी भाई तोरी भी फेवरेट, मेरी तो तोरी भी फेवरेट है, घिया भी मेरा फेवरेट है, सब कुछ मेरा फेवरेट है, बट इनको कुछ नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक घिया, तोरी, टिंडे, तो मुझे देखो सब कुछ पसंद है। बच्चों को देखो, बच्चे हैं, धीरे आप धीरे बोल रहे हो फिर से, बच्चे हैं इनको देखो, दिस इज द परफेक्ट, बच्चों को हल्का देखो ऐसा, हम ये बच्चे नहीं, मौसम सब बच्चों को ये तोरी घिया पेठा ये चीज़ों को अवॉइड करते हैं बच्चे। अगर इनको कहते ना जब चौमिन डोसा ये चीज़ें खा लो, रोटी मत खाओ, चौमिन छोड़ दिए, चौमिन डोसा, आई लाइक डोसा, पिज्ज़ा वगैरह मंगवा लो, वो तो इसकी जान है, पिज्ज़ा तो इसकी जान है, इसको ये कह दो ना पिज्ज़ा ले आ, बस दो तीन खा दूंगा बड़े बड़े। पर पता क्या, वैसे मैदा पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सारे मैदा होते हैं, खराब करते हैं। बर्गर मुझे पसंद नहीं है, पर जो इतने बड़े 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 होते हैं वो मुझे पसंद है। गलत है, वैसे बच्चों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, किसी को नहीं खाना चाहिए इतना। सैंडविच भी नॉर्मल होता है, वो भी मुझे पसंद है, खाना नहीं चाहिए बच्चों को। बच्चों को घर का सिंपल, घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए, दाल वगैरह, चावल, और जो घर में बनता है वही खाना चाहिए, बाहर का तो खाना ही चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और मच्छर बहुत हैं, ये मच्छर पता जो बनाते हैं कुछ इतनी सफाई क्यों रखते हैं, गंदगी पता कितनी होती है इनके ऊपर। और हम इतनी देर से भाषण दे रहे हैं, कुछ दिखा भी दो, क्या दिखाएं।